तो दोस्तों स्टेटस बनने के लिए आपको मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर देना है प्लस के क्लिक करके पे क्लिक करना है रिजोल्यूशन वन जीरो एट जीरो टू थ्री फोर जीरो फ्रेमरेट सिक्सटी एफ और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है दोस्तों स्टेटस बनने के लिए आपको जो भी मेटर्स लगते हैं पी एनजी ऑडियो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों एक करने के बाद हमें इसमें अपनी बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेना है तो आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है इमेज जान में जाना है और मैंने जो बैकग्राउंड इमेज आपको प्रोवाइड किया उस इमेज को सेलेक्ट करके ऐड कर देना है और थ्रे पर क्लिक करके इसे स्क्रीन कर दीजिए और इसको थोड़ा सा दो इंग्लू से बड़ा करके जूम कर लेना है थोड़ा सा जूम कर लीजिए दोस्तों एक करने के बाद हमें थर्टी सेकंड तक का स्टेटस बनना है तो हमें टाइमर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करके इसके ड्यूरेशन कम स्पीड कम कर देने है और हमें जाना है थर्टी सेकंड तक थर्टी सेकंड तक आने के बाद इसका आगे वाला पार्ट आपको ट्रिम कर देना होगा तो थर्टी सेकंड तक आने के बाद दोस्तों आपको बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर देना है और इसको आगे वाला पार्ट बटन की मदद से ट्रिम कर दीजिए दोस्तों करने के बाद स्टार्टिंग पोजिशन में आना है प्लस के अकाउंट पर क्लिक करना है इमेज एंड वीडियो में जाना है और आपको अपनी हीरो की इमेज सिलेक्ट कर देना है जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हैं ए इमेज ऐड करना चाहते हैं तो ए इमेज भी आपको मिल जाएगी दोस्तों करने के बाद इस इमेज को आपको कुछ इस तरह से बड़ा कर देना होगा इतना बड़ा कर देने के बाद दोस्तों आपको इसको नीचे एडजस्ट कर देना है दोस्तों आप दूसरे इमेज पर स्टेटस बनना चाहते हैं तो उस इमेज का बैकग्राउंड आपको रिमूव कर लेना है तो उसको आपको रिमोट ऑट बीजी इस वेबसाइट जा से जाकर आसानी से वन क्लिक में आप इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं दोस्तों एक करने के बाद आपको जाना है थर्टी सेकंड तक और थर्टी सेकंड तक जाने के बाद इस इमेज को भी आपको इस बटन के वाले बटन की मदद से एक्सटेंड कर देना है पूरे स्टेटस में दोस्तों एक करने के बाद स्टार्टिंग में आना है और हमारे जो हीरो की इमेज है उसको सेलेक्ट कर दीजिए और आपको इफेक्ट में जाकर एड इफेक्ट में जाना है और थ्री इस वाले इफेक्ट में जाकर क्लिप लेयर इस वाले इफेक्ट को आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना होगा तो इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेने के बाद एक के एनिमेशन लगा दीजिए स्टार्टिंग में और इसका एंगल है उसको माइनस टेन डिग्री कर देना है तो इसका एंगल माइनस टेन डिग्री करने के बाद दोस्तों आपको स्टेटस के इमेज के एंड में जाना है वहाँ पर एक के एनिमेशन लगा दीजिए और इसका जो लास्ट वाला एंगल है उसको प्लस टेन डिग्री रख देना है दोस्तों एक करने के बाद ये बीच में एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों करने के बाद आपको इफेक्ट में जाना है उसी फ्लिप लेयर इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर करो के ऑप्शन पे क्लिक करके दो नंबर वाले राइट साइड वाले करो को सिलेक्ट कर देना है और इस लास्ट वाले चार नंबर के को कर को सिलेक्ट कर दीजिए और दोस्तों आपको अगर इसमें एडजस्टमेंट करना है अपने कर को तो भी कर सकते हैं अपने इमेज के हिसाब से दोस्तों एक करने के बाद थ्रेड ऑट पर क्लिक करना है और कॉपी कर दीजिए तो कॉपी कर लेने के बाद इस कर को हमें बाकी भी इमेज में ऐड कर लेना है तो आपको बैक आना है बैक आने के बाद इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर थ्रेड ऑट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर दीजिए दोस्तों एक करने के बाद बैक आना है और हमारे बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और उसे पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए पेस्ट इफेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको फ्लिप लेयर में जाना है और यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे कॉपी सॉरी पेस्ट कर कर देना है तो ये करो हमारा पेस्ट हो जाएगा दोस्तों एक करने के बाद हमें हीरो की इमेज को सिलेक्ट कर देना है तो बैकग्राउंड इमेज को आप अब रहने दीजिए और हीरो के इमेज को सिलेक्ट कर देना है तो एक करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा दीजिए और इमेज के एंड में एक एनिमेशन लगा दीजिए दोस्तों इस तरह से एक एनिमेशन लगा देने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है स्टार्टिंग में आने के बाद आपको जो हमारा स्टार्टिंग में वाला पार्ट है उसको लेफ्ट में मूव कर लेना है स्वाइप कर लेना है दोस्तों इस तरह से थोड़ा सा स्वाइप कर लीजिए ताकि इसमें एक थ्री डी एनिमेशन हम ऐड कर सके दोस्तों करने के बाद एंड में जाना है जहां पर हमने दूसरा के एनिमेशन लगा दीजिए और इसको आपको राइट में मूव कर लेना है तो देखिए मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ आपको ये देखिए कितना कमाल का हमारा यहाँ पर लग जाएगा दोस्तों ये करने के बाद आपको कर्व पे जाना है और यहाँ पर डॉट पर क्लिक करके पेस्ट करव कर दीजिए तो करव इसमें एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों दोस्तों इसके बाद आपको बैक आना है और हमारे बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर दीजिए तो बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हमें इसमें भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसमें भी के एनिमेशन लगा देना है स्टार्टिंग में और इमेज के एंड में एक एनिमेशन लगा दीजिए और हमारी जो एंड वाला पार्ट है उसको आपको लेफ्ट में स्वाइप कर लेना है तो हमने इमेज को राइट में स्वाइप किया था तो इसको लेफ्ट में उल्टा कर देना है दोस्तों थोड़ा सा इस तरह से स्वाइप कर लीजिए और हमारे जो इमेज का स्टार्टिंग पोजिशन है उसको आपको राइट में स्वाइप कर लेना है तो एंड में हमने लेफ्ट किया था अब स्टार्टिंग में राइट में इसको मूव कर लेना है दोस्तों ये करने के बाद हमें जाना है कर में और इसको थोड़ा पर क्लिक करके पेस्ट कर कर दीजिए तो हमारा जो पहला वाला कर है इसमें भी पेस्ट हो जाएगा दोस्तों एक करने के बाद आपको बैक आना है बैक आने के बाद स्टार्टिंग पोजिशन में आना है प्लस के अकाउंट पर क्लिक करना है एम एज में जाना है और मैंने के चीज इस वाले पोस्टर का पेन जी दिया है उसको आपको सिलेक्ट करके ऐड कर देना है इसको ऐड कर लेने के बाद आपको थर्टी सेकंड तक जाना है एंड में और उसको इस वाले बटन की मदद से पूरे स्टेटस में एक्सटेंड कर देना होगा तो इसको एक्सटेंड कर लेने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है और उसको कुछ इस तरह से बड़ा कर देना है बड़ा कर कर आप इधर एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको ठीक लगे वहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए इसको एडजस्ट करने के बाद उस वाले लेयर को आपको काफ़ी देर तक यहाँ पर टच कर देना है और उसको नीचे हमारे इमेज के नीचे उसको एडजस्ट कर देना होगा तो उसके बाद भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अच्छी तरह से तो मैं इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ दोस्तों दोस्तों ये करने के बाद हमें मूव एंड एंट्रांसफर में जाना है के जेप वाले पोस्टर इमेज पे क्लिक करके और स्टार्टिंग में एक के एनिमेशन लगा दीजिए और इमेज के एंड में एक के एनिमेशन लगा दीजिए और इस वाले जी वाले पोस्टर को हमें एंड में राइट में स्वाइप कर लेना है तो इस तरह से थोड़ा सा स्वाइप कर लीजिए और स्टार्टिंग में इसको लेफ्ट पे स्वाइप कर लेना है और यहां पर इसका भी कर हुए हमको थ्री क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है ताकि पहला वाला कर इसमें भी एडजस्ट हो जाए दोस्तों एक करने के बाद आपको बैक आना है बैक आने के बाद फिर से एक बार बैक आना है प्लस कहीं आइकन पर क्लिक करना है इमेज एंड वीडियो में जाना है और मैंने एक इफेक्ट आपको लिंक दिए है उस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड कर लेने के बाद उस वीडियो को हमें स्टेटस में ऐड कर लेना है तो कौन सा वीडियो आपको दिखाता हूँ मैं पार्टिकल वाला वीडियो दोस्तों काफ़ी कमाल का हमारा वीडियो में इफेक्ट लाता है तो इस वीडियो को आपको ऐड कर देना है इस वाले इफेक्ट को आपको सिलेक्ट करके ऐड कर दीजिए ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसको थ्रेड पर क्लिक करके फिर स्क्रीन कर देना है और ब्लेंडिंग एंड ऑपोजिटी में जाकर लाइटन में जाना है और उसे स्क्रीन पे नेबल कर दीजिए तो ये करने के बाद आप देख सकते हैं इसको प्ले करता हूँ मैं थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर है हमारे इमेज और बैकग्राउंड सॉरी पोस्टर के ऊपर है तो इसको हमें ड्रैग करके नीचे लेना है तो इसको सिलेक्ट कर ड्रैग कर दीजिए और तीन नंबर पर यहाँ पर एडजस्ट कर देना है दोस्तों ये करने के बाद हमें इसमें अपना ऑडियो ऐड कर लेना है तो आपको प्लस के अकाउंट पर क्लिक करना है ऑडियो में जाना है ऑडियो भी आपको टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा तो ऑडियो को आपको ऐड कर देना है दोस्तों ऑडियो काफी लंबा है आप जहाँ से भी पार्ट रखना चाहते हैं ऑडियो का वहां से आप ऑडियो को सुन लीजिए सबसे पहले और उसके बाद ऑडियो का जो भी पार्ट चाहिए उसको आपको आगे वाला पार्ट ट्रिम कर दीजिए और इसको इस वाले बटन की मदद से स्टार्टिंग में लाना है और थर्टी सेकंड में जाने के बाद तो मैं थर्टी सेकंड में आने के बाद इमेज का आगे वाला सॉरी ऑडियो का आगे वाला पार्ट है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरह से दोस्तों ये करने के बाद आपको अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम लोगो लगाना है तो वो भी लगा सकते तो मैं यूट्यूब लोगो अपना लगाना चाहता हूँ तो लैब एप्लीकेशन में यूट्यूब लोगो बनाया दोस्तों मैंने तो मैंने अपने यूट्यूब लोगो को ऐड कर दिया दोस्तों आप भी अपने यूट्यूब लोगो को ऐड कर दिए मुंह एंड ट्रांसफर में जाकर इसको नीचे आपको खिंचका लेना है जहाँ पर भी इसको ऐड करना चाहते हैं इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं दोस्तों ये करने के बाद इस लेयर को आपको एंड तक एक्सटेंड कर देना होगा तो ये करने के बाद दोस्तों देखिए काफी कमल वीडियो का हमारा बनकर रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा प्रियो दोस्तों देखिए काफी कमल का वीडियो हमारा बन चुका है दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताए अगर अच्छा लगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर डबल कर दीजिए दोस्तों मिलता हो आपको ऐसे ही बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग टोटल में तब तक क्लियर टेक्नोजा ही साइनिंग ऑफ